असलमकम होप सो यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर प्लेसेस प्यारे बच्चों बिलावल भुट्टो को कौन कौन जानता है जिनकी अभी रिसेंटली एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट आई थी जिसके मुताबिक जब बारिश आती है तो पानी आता है जब ज़्यादा बार, बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है आप सब सोच रहे होंगे कि मैं बिलावल भुट्टो को क्यों डिस्कस करी तो आज हम उनके ग्रेट नाना जी के आर को डिस्कस करने जा रहे हैं मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आरा को जो फादर हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो के प्यारे बच्चों इनके एरा को डिस्कस करने से पहले हम थोड़े से इश्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद एज़ अ नेशन पाकिस्तान को फेस करना पड़े तो हमारा पहला इशू था इंडिया के साथ शेयरिंग ऑफ वाटर का डिस्प्यूट एंड दैट वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस तो चलें आपको एक मज़े की बात बताती हूँ आपको पता है पाकिस्तान बनने के आठ साल बाद तक हमारा कोई कानून नहीं था हम चल रहे थे विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन्स मतलब कुछ भी करो कोई पंगा नहीं कोई मसला नहीं तो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स Second Constitution in nineteen sixty two and third Constitution in nineteen seventy three. फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं आपको पता है यहाँ आती है इंडिया और पाकिस्तान की एक और वॉर जिसमें इंडियन आर्मी बिहेव लाइक अ लूजर बिकॉज दे अटैक्ट एट थ्री ए एम ऑन सिक्स सप्तम्बर आपको पता है इस, इस अटैक से पहले इंडियन आर्मी की स्टेटमेंट क्या थी कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर जाकर करेंगे हमने कहा बच्चा समझते हो क्या हमें एंड वी प्रूव दैम रॉन्ग थोड़ा सा आगे चलते हैं और ब्रेक लगाते हैं 1971 पर जहां पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे हार्ड ब्रेकिंग इंसिडेंट हुआ एलेक्शन हुए ईस्ट पाकिस्तान में भी और वेस्ट पाकिस्तान में भी ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन जीते शेख मुजीबुर रहमान ने और वेस्ट पाकिस्तान में एलेक्शन जीता जुल्फ़ार अली भुट्टो ने अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन शेख मुजीबुर रहमान हैव राइट टू बी प्रेजिडेंट बट ऐसा ना हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया वेस्ट पाकिस्तान से तो चले आए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप सब जानते हैं मार्शल लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान अगेन एंड अगेन जुल्फिकार अली भुटो टुक ओवर ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज अ रिजल्ट ऑफ सिविल मार्शल लॉ ऑन ट्वेंटिय दिसंबर नाइनटीन ही वाज़ फर्स्ट सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंट्री ही मेड हिज फर्स्ट स्पीच ऑन द सेम डे ही सेड the country is facing serious crisis i have taken over at a time when the history of pakistan has reached its turning point i have to build a new progressive pakistan which the qaied azam dreamed it my belief that it will definitely be done on 20th december 1971 when zulfiqar ali bhutto took charge of pakistan government as a Prime Minister, there was no constitution. Nineteen seventy-two, me constitution set hua by Zulfikar Ali Bhutto. Anyone have idea what was the slogan at that time? By Zulfikar, used by Zulfikar Ali Bhutto. Here is the answer, piare Zulfikar Ali Bhutto had raised the slogan that came with the great reforms when he took over. His slogan. वॉज रोटी कपड़ा और मकान चलें देखते हैं इस स्लोगन के पीछे रीजन क्या था तो प्यारे बच्चों उस वक्त पूरी दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैपिटलिज्म क्या होता है और सोशलिज्म क्या होता है कैपिटलिज्म मीन अगर गवर्नमेंट चाहे तो मुल्क के अंदर होने वाले सारे बिज़नेसेस प्राइवेट कर दें, फिर उस बिज़नेस के लॉस और प्रॉफिट से गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता जैसे रेलवे एयरलाइन और स्टील मिल को प्राइवेट कर देना और कैपिटलिज्म का निज़ाम राइज है यूएस और यूरोप में एंड सोशलिज्म मीन कि ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहे जिसके चलते बिज़नेस का प्रॉफ़िट और लॉस दोनों का लेना देना गवर्नमेंट से होता है और सोशलिज्म का निज़ाम राइज है रशिया और चाइना में जैसे कि आप जानते हैं ल्फ़ार अली भुट्टो के एरा में पुअर कम्युनिटी की तादाद बहुत ज़्यादा थी और ल्फ़ार अली भुट्टो जानते थे कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो गरीब आवाम को ऊपर लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए उन्होंने मुल्क में सोशलिज़म का निज़ाम रॉइज किया और साथ ही साथ अपना मशहूर स्लोगन इंट्रोड्यूस करवाया रोटी कपड़ा और मकान चलें प्यारे बच्चों अब कुछ रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एंड विद द हेल्प ऑफ टेबल टॉक सोल्जर्स आल्सो ब्रॉड बैक फ्रॉम बॉर्डर्स उस वक़्त बलुचिस्तान में भी ऑपरेशन चल रहा था और हालात नॉर्मल नहीं थे थोड़ा सा आगे चलते हैं और लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं जैसे कि हम सब जानते हैं जुल्फ़ार अली भुट्टो ने पुअर कम्यूनिटी के लिए बहुत काम किया दिस वॉज़ द फर्स्ट टाइम दैट 313 हंड्रेड थर्टीन बेरोक्रेट्स हार्ड बिन फायरड और उनको फायर सिर्फ इसलिए किया गया बिकॉज दे डू एज दे प्लीज एंड ऑल ऑल सीट्स वैट एवरी वन वर इक्वल सुल्फ़िकार अली भुटो ने लैंड रिफॉर्म्स किए ताकि वो पावरफुल लैंड ओनर से उनकी ज़मीन ले सकें उन्होंने लैंड ओनर्स के लिए बाउंड्रीज भी सेट कर दी जिसके मुताबिक एक लैंड ओनर के पास 150 एकड़ की इरीगेटेड ज़मीन और 300 हंड्रेड की नॉन इरीगेटेड ज़मीन होगी इससे ज़्यादा वो अपने पास ज़मीन नहीं रख सकते इन 1997 दैट लिमिट रिड्यूस अपंड्रेड एकर्स ऑफ इरीगेटेड लैंड एंड टू हंड्रेड एकर्स ऑफ अन इरीगेटेड लैंड तो चलें अब ल्फ़ार अली भुट्टो की लेबर रिफॉर्म को डिस्कस करते हैं एज़ वी ऑल नो पाकिस्तान में कभी भी लेबर कम्यूनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया एट दैट टाइम वर्कर्स वर किल्ड बाई लैंड ओनर्स फ़ार अली भुटो ने रिमेनिंग जमीन फार्मर्स को दे दी ताकि वो हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ गुजार सकें जोल्फ़ार अली भुट्टो ने गरीब आवाम को ट्रैक्टर्स लोन एंड फर्टिलाइज़र फ्री में सप्लाई किया ताकि वो खुद के लिए मेहनत कर सकें तब मुल्क में सोशलज़म का निज़ाम राइज था इसलिए गवर्नमेंट ख़ुद फार्मर्स से फ़सल ख़रीदती ताकि वो फार्मर्स को मैक्ममम प्रॉफिट दे सके ऑन टेंथ फेबर 1972 सेवेंटी टू पुटो ने यूनियन ऑफ पावर को इंक्रीज करते हुए लेबर कोर्ट्स बनाए फॉर सॉर्टिंग देयर इश्यूज एंड डिस्प्यूट्स इंडस्ट्रियल मुलाजमीन के लिए चीप हाउसेस और एजुकेशन फ़ॉर दियर चिल्ड्रेंस भी ज़रूरी करार दे दी गई प्यारे बच्चों आप जानते हैं नैशनलाइजेशन क्या होता है नेशनलाइजेशन मीन द ट्रांसफर ऑफ अ मेजर ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स फ्रॉम प्राइवेट टू स्टेट ओनरशिप और कंट्रोल जुल्फ़ार अली भुट्टो को लगता था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ अपने एम्प्लॉयज़ का खून चूसती हैं इसलिए बहुत सारी फैक्ट्रीज़ नेशनलाइज़ हुई उनके एरा में फॉर एग्ज़ाम्पल सीमेंट स्टील इलेक्ट्रिक एंड कैमिकल इंडस्ट्री अभी मैं आपके साथ साथल्फ़िकार अली भुटो के एरा की सबसे सबसे फैंटेस्टिक बात डिस्कस करने वाली हूँ और वो है पाकिस्तान एज़ अ न्यूक्लियर पावर ल्फ़ार अली भुट्टो उन रेयर लीडर्स में से एक हैं जो ब्रॉड विज़न रखते थे जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया तो इट क्रिएटेड क्रिएट थ्रेट फॉर पाकिस्तान सो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी एज अ प्रेजिडेंट इन दिसंबर 1971 न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लेटर ऑन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वाज़ फेमस एज फादर ऑफ बॉम इंसेंटिव भुट्टो के एरा में डिफरेंट यूरनियम एनरिचमेंट प्लांट वर प्लेसड एट वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री सच एस डेरा गाजी खान कराची इस्लामाबाद एंड चकलाला। प्यारे बच्चों मेरे लिए मेरे पास आपके लिए एक सवाल है आप जानते हैं पाकिस्तान कब और कहाँ अटोमिक पावर बना सो हेयर इज द आंसर पाकिस्तान कंडक्ट अ सीरीज़ ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट ऑन ट्वेंटी एथ मई नाइनटीन नाइनटी एट एट चागी टेस्ट साइट बलुचिस्तान हम सब जानते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने बहुत काम किया फॉर बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान सो मे हि सोल रेस्ट इन पीस आमीन प्यारे बच्चों यहाँ हमारा लेसन का एंड हुआ नाउ लुक एट द की पॉइंट्स सो इट बिकम ईजी टू लर्न जुल्फिकार अली भुट्टो हैड रेज द स्लोगन दैट केम विद द ग्रेट रिफॉर्म्स And I will completely change the country when he took over. His slogan was Roti Kapada and Makan. The maximum limit of land allowed to be owned was 150 acres of irrigated land and 300 acres of unirrigated land in 1972. Thirdly, Nationalization means the transfer of a major branch of industry or commerce from private to state ownership or control. Bhutto's brought talented and expert people in the field or to the center, mainly Dr. Abdul Qadir Khan, who was specially invited by Bhutto himself. Chalem beta -ji. it's quiz time. ओपन यूर नोटबुक्स एंड रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली पहले तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कैपिटलिज़म एंड सोशलिज्म और मुझे लगता है कि मैंने इतने बेहतर तरीके से तो समझा दिया है कि आप अपने वर्ड्स में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं सो बेस्ट ऑफ लक एंड मैं नैक्स्ट क्वेश्चन इज सॉर्टिंग और ऑर्डरिंग पहला इशू है फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान नेक्स्ट है जुल्फिकार अली भुट्टो गॉट अ चांस एज प्रेजिडेंट न्यूक्लियर टेस्ट एंड लास्ट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट आपने बताना है कि पहले कौन सा इशू हुआ देन उसके बाद कौन सा हुआ फिर कौन सा हुआ और लास्ट पे कौन सा हुआ ठीक है सो बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़